कन्या खिलाने का दिन आ रहा है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल डिश। स्पेशल डिश बनाने के लिए हमको देसी घी लेना है और जितनी ही देसी घी लेंगे हमको उतनी ही सूजी लेना है और हमें मेवा लेना है एक कटोरी और केसर वाला दूध लेना है। ये सब सामग्री मैंने ले लिया है। एक सामग्री मैंने नहीं लिया है, बाकी सब मैंने ले लिया है। इसको बनाने के लिए हमको गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और कढ़ाई चढ़ा देना है। अब उसमें हम एक बाउल घी डालेंगे। जितना ही हमें घी लेना है उतनी ही हमें सूजी लेना है। घी मैंने डाल लिया है और एक चम्मच मैंने घी उसमें से बचा लिया है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। अब घी हमारा करीब करीब गर्म हो चुका है। अब हम सूजी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए तभी सूजी डालिएगा, बिल्कुल ऐसे ही मत डाल दीजिएगा। सूजी मैंने डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है और हमें चलाते जाना है। चाहे हाथ दर्द हो ले तब भी चलाते जाना है। सूजी का हलवा तो बनाना ही है क्योंकि कन्या को खिलाना है, इसलिए चलाते जाना है, मटक मटक के चलाते जाना है। अच्छे से जब चलाते जाएंगे हम तो सूजी एक ही कलर में रहेगी, नहीं तो कहीं रेड हो जाएगी, कहीं ब्लैक हो जाएगी, कहीं वाइट रह जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसलिए लगातार चलाते जाइएगा। बीच में 2 मिनट रेस्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी चलाते जाना है। हम तो चलाते ही जा रहे हैं। अब हमारी सूजी का कलर धीमे धीमे चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। पहले की अपेक्षा मेरी सूजी का कलर चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। मेरी सूजी करीब करीब भुन चुकी है घी में। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे। देखिए हमारी सूजी भुन के रेडी हो चुकी है। ये पंजाबी हलवा कहलाता है। हलवा तो हम बहुत बार बना चुके हैं, लेकिन इस टाइप से हलवा हमने नहीं बनाया है कभी। तो आज हम बनाते हैं कन्या को खिलाने के लिए कुछ स्पेशल हलवा। देखिए हमारी सूजी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हम चलाते जा रहे हैं। अब हम इसमें केसर वाला दूध मिलाएंगे जो हमने रखा था। देखिए हमारे सूजी का कलर ऐसा हो गया है। केसर वाला दूध मैंने रखा था 2 चम्मच। अब हम उसको डाल देंगे। अब हमें 2 मिनट चलाएंगे, उसके बाद हमें पानी डालना है। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से हमें 3 बाउल पानी डालना, तीन कटोरी पानी डालना है हमें। और फिर गैस की फ्लेम स्लो रख देनी है और धीमे धीमे हमको चलाना है। अभी मैंने इसमें 2 चीज़ नहीं ऐड किया है, बस थोड़ा हलवा पक जाए इसके बाद हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डालते देते हैं, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो नहीं तो मत डालो।
कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन था तो मैंने डाल दिया, नहीं तो आप ना डालें तो ही ठीक है। थोड़ा सा पानी बचा था कलर का, मैं वो भी डाल दे रही हूँ। और ऊपर से घी डालना है, जो मैंने घी बचा के रखी थी अब हमें उसको डाल देना है, क्योंकि हमारा हलवा रेडी हो चुका है, अभी मेवा नहीं पड़ा है। तो पहले वो देसी घी डाल देंगे जो हमने 2 चम्मच बचा के रखा था, हमने वो डाल दिया है। अब हम मेवा डालेंगे इसमें। मेवा आप ग्राइंड करके भी मिक्सी में डाल दे सकते हैं, लेकिन मैंने खड़ा डाला है क्योंकि मेरे यहाँ नहीं खाता कोई। हमारा हलवा रेडी है। अब हम इसमें एक जिस कटोरी से हमने पानी और सूजी डाली थी उसी कटोरी से हम आधा कटोरी सूजी ऐड शक्कर ऐड करेंगे सॉरी शक्कर ऐड करेंगे और इसको चला देंगे। और 10 मिनट तक पकाएंगे। हमारा हलवा रेडी हो गया है, बहुत ही जूसी हलवा है जिसको हमने बनाया है, जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलता है, हलवाई लोग बनाते हैं, उनका ऐसा ही बिल्कुल टेक्सचर होता है। ऐसा ही हलवा हमें बनाना चाहिए कन्या को खिलाने के लिए, जिससे कि सब लोग खुश हो जाएं खा के। अगर मेरा हलवा अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको। आप देख सकते हैं हलवे की का अब हम चाहें तो इसको गरी के बुरादे से गार्निश कर सकते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में हलवा को हम निकाल लेंगे क्योंकि हलवा पक चुका है। बाउल मैंने ले लिया है, गैस की फ्लेम बंद कर दिया है हमने। आप देख सकते हैं हलवा किस तरीके से बना है, मैंने बाउल में निकाल लिया, आप देख लीजिए। यम्मी यम्मी हलवा खाइए और खुश हो जाइए। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लाइफ के ये मंत्र याद रखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।